शिक्षण क्षेत्र में आज के दौर में एक अलग ही स्पर्धात्मक चित्रण देखने को मिल रहा है। ऐसे में अपने पाले को किस संस्थान से शिक्षित करें, ये अहम सवाल अभिभावकों के सामने है। इसका सटीक उत्तर चंद्रपुर में रेडियंट कोचिंग क्लासेस के रूप में उपलब्ध है। उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की राह रेडियंट कोचिंग क्लासेस के माध्यम से चंद्रपुर में उपलब्ध है, जहाँ हर छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। उन्नत शिक्षा रेडियंट कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर शाहबाज पठान ने इंस्टीट्यूट के बारे में विस्तृत चर्चा की। रेडियंट कोचिंग क्लासेस में क्लास 11 एंड 12 साइंस के लिए बैचेस एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ तीन अलग अलग टाइप के बैचेस होते हैं, जिसमें बैच ए होता है जिसमें हम लोग 11 एंड 12 की स्टडी करवाते हैं। मतलब जो बच्चे सिर्फ 11 और 12 की स्टडी करने में इंटरेस्टेड है वो उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड बैच होती है जिसमें 11 12 के साथ साथ हम लोग MSTCET एक एंट्रेंस एग्जाम होती है उसकी भी तैयारी करवाते हैं, और एक बैच सी होती है जिसमें 11 12 के साथ साथ हम लोग JEE और NEET के भी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अगर आपको इस बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा एड्रेस है रेडियंट कोचिंग क्लासेस, पठानपुरा रोड, नियर जोरगेवा सर ऑफिस। नीचे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। किसी और जगह एडमिशन लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आके आप रेडियंट कोचिंग क्लासेस में विजिट कीजिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, देन उसके बाद एडमिशन लेना या नहीं लेना ये आपके हाथ में। थैंक यू वेरी मच। इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भी यहाँ के शिक्षण प्रणाली की सराहना की और बताया कि यहाँ से उन्हें बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी समझकर उन्हें योग्य मार्गदर्शन किया जाता है। वहीं रेडियंट कोचिंग क्लासेस का वातावरण भी अत्यंत सौहार्दपूर्ण है, जिससे उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होती है। विद्या विनयन श्रोते, ये कहावत यूं ही निकली है। आज हम जिस इंस्टीट्यूट में हैं, वहाँ पर विद्या के साथ में विनय तो सिखाया ही जाता है, लेकिन साथ साथ में करियर गाइडेंस भी होता है। हम यहाँ पर है रेडियंट कोचिंग क्लासेस में, जो कि चंद्रपुर में स्थित है। यहाँ की क्लासेस जिसके सर्वे सर्वाय शाहबाज सर ने बातचीत की, और आज चलिए चलिए हम उनके स्टूडेंट से बात करते हैं। मेरे साथ में प्रीति और सार्थक। पहले बात करते हैं प्रीति से कि उसका अनुभव रेडियंट में कैसा रहा है। प्रीति, आप रेडियंट में है और कब से आपने रेडियंट को ज्वाइन किया है? 1 जुलाई से रेडियंट को ज्वाइन किया है, और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे रेडियंट में मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है और टॉपिक भी अच्छे से समझते हैं। कहीं कोई आपको कोई तकलीफ आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो फिर उसका सोल्यूशन कैसे लेती हैं आप? सर से पूछकर। सर और सर सर अवेलेबल रहते हैं हमेशा? नहीं, कभी कभी है तो खुद से ट्राई कर लेना, और अगर फिर से नहीं समझा तो फिर सर से पूछ लेते हैं। यहाँ के बाकी तरह का जो स्टाफ है जो आपको कोच करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब भी अच्छे ही है, मतलब अच्छे से समझाते हैं। आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहते हैं? पिछले मेरा एम डॉक्टर का है, बट तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए तो आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलता होगा, उसके लिए तैयारी है उसको। तो आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो ये प्रीति जी थी जो हमारे साथ में बता रहे थे कि उन्हें रेडियंट क्लासेस में बड़ा अच्छा लगता है। अब हम चलते हैं सार्थक की ओर। सार्थक जी बताएंगे कि वो रेडियंट में उनका अनुभव कैसा रहा है। हाँ जी सार्थक जी, मेरा भी रेडियंट में अनुभव बहुत अच्छा है। मतलब मुझे समझ में बहुत आता, अगर मैं ऑब्सेंट रहता हूँ तो मुझे सर वगैरह मतलब बता दें कि जो बैकलॉग है वो कैसे कम्प्लीट करना है, और मुझे मेरा एम है कि इंजीनियर बनना है, उसके लिए यहाँ पे तैयारी भी होती है। अगर मुझे नहीं समझ में आता तो इधर मतलब बिना डरे में सर के पास जाके बता सकता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, और सर मुझे अच्छा गाइडेंस देते हैं। शाहबाज सर के बारे में अगर मैं आपको पूछूँ कि शाहबाज सर की पर्सनैलिटी के बारे में मैं बताइए तो क्या बताएंगे? सर की पर्सनल बहुत अच्छी, मतलब वो स्टूडेंट्स में आपके फ्रेंडली होते हैं, मतलब वहाँ पे सिर्फ बिना डरे उनसे आप पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपके स्टडी में, स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप उनसे अच्छे बस फ्रीली होते पूछ सकते हैं। इंजीनियरिंग बनने के लिए आपके अभी रेडियंट के माध्यम से क्या क्या तैयारी चल रही है? रेडियंट से मतलब वो हर रोज BP कुछ वगैरह लेके टेस्ट लेते हैं, सैटरडे को वो दे ऐसे सिखाई भी JEE के लेवल का अच्छा सिखाते हैं। तो ये मेरे साथ में थे रेडियंट के दो स्टूडेंट्स, जिन्होंने बताया कि रेडियंट में जो ये पढ़ रहे हैं तो उनको कितना अच्छा यहाँ पे गाइडेंस मिलता है, और हम पूरा एक क्लास यहाँ पर है तो एक क्लास के जो चेहरा है ये चेहरे पर कितनी खुशी है ये भी हम आपको दिखाते हैं। नाउ 3 cheers फॉर रेडियंट क्लासेस, और आप लोगों के हिप हिप हुरे इस वक्त हमारे साथ में रेडियंट क्लासेस की सोनाक्षी हैं, बहुत ही प्यारी सी, चुलबुली सी, और लगता भी कि बड़ी होनहार छात्रा है। क्या बताना चाहेंगी सोनाक्षी आप रेडियंट क्लासेस के बारे में? सर जैसे अभी मेरा
एक मंथ ही हुआ है ज्वाइन करके जी। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे पहले दूसरे इंस्टीट्यूट में थी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ से मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे सपोर्टिव है, सारे स्टाफ मेंबर सब बहुत सपोर्ट करते हैं, डाउट बार बार पूछे तो बताते भी हैं, तो अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। एक मिनट से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है। क्या करना चाहती है मेरे लाइफ में? मुझे इंजीनियरिंग करना है। किस विषय में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? सीएस को लेकर इंजीनियरिंग में। इसका क्या क्या है, उसके बाद में आप कैसे करें, जॉब करना चाहेंगे या खुद का अपना कुछ इंस्टीट्यूट खोलना चाहेंगे? जॉब करना चाहिए। ठीक है, आपके जो रेडिएंट में आप इस महीने से हैं, आपके जो सहपाठी मतलब आपके जो स्टूडेंट, आप मस्ती मजाक करते हैं यहाँ पर? हाँ, सपोर्टिव बहुत है यहाँ के, मतलब जितने भी मैंने फ्रेंड्स बनाए हैं यहाँ पे सपोर्ट बहुत करते हैं। क्वेश्चन कोई नहीं समझा है या मैं एब्सेंट रहती हूँ तो दूसरे दिन एक्सप्लेन भी करके देते हैं। NBCN न्यूज के लिए चंद्रपुर से रत्नाकर मलिक की रिपोर्ट।